और मर्दों के लिए जमात से नमाज पढ़ना लाजिम है वाजिब है फ़र्ज है सुना नबुदाऊद की हदीस है मुस्ंद अहमद में भी है प्यारे नबी महम्मदीस ने फरमाया मन निदा। जो अज़ान सुनता है फलम युजिब उसका जवाब नहीं देता एक रिवायत में आता है फ़लम याती ही अजान सुनकर नमाज पढ़ने आता नहीं है फ़ला सल तला उसकी नमाज नहीं होगी चाहे पढ़ ले तो भी यानी कि पढ़ेगा तो उसको उसका जो सवाब मिल रहा था वो सवाब से महरूम हो रहा है भले ही उसका फर्ज अदा हो गया लेकिन सवाब से महरूम हो रहा है तो जमात से नमाज पढ़ने से क्या हो रहा है उसको इतना सारा अज्र मिल रहा है और एक फर्ज उसका वाजिब अदा हो रहा है और हर कदम कुछ लोग बोलते हैं मस्जिद बाद दूर है हमारे यहाँ से हर कदम जो हम उठा कर जाते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एक नेकी लिखी जाती है एक गुनाह माफ होता है एक दर्जा बुलंद होता है फ्री में नहीं चल रहे हो अगर चल के जाएंगे तो उसका बदला भी तो अल्लाह ताला देने वाला है और सही बुखारी में हदीस है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लकद हम तो मैंने ये इरादा किया कि अपनी जगह किसी और को नमाज पढ़ाने को और शोला लेकर जाओ और वो लोगों के घरों को जला दू जो अब तक नमाज पढ़ने नहीं आए लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया नहीं क्यों नहीं किया जाहिर सी बात है घर में औरतें भी होती है घर में कोई हो सकता है बीमार आदमी है जो उज्र की वजह से नहीं जा सका लेकिन मिसाल बयान करके बता दिया और जब रहमत आलमीन की जुबान से इतनी सख्त मिसाल मिल रही है ना तो हम सब समझ सकते हैं कि कितनी खतरनाक बात हो रही है तो मेरे भाई मेरी ये जो लोगों में मिजाज बना हुआ है ना कि आपने अपने अपने नमाज पढ़ लेते हैं मस्जिद तक जाना लाजिम है जरूरी है और हम सबको वो कदम बढ़ाने चाहिए मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने चाहिए और जमात से नमाज पढ़ने से क्या होगा हमें ट्वेंटी ज्यादा मिलता है